हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम वियना कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। वियना कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों है? यूएन, यूएस और ईरान की क्राइसिस की वजह से। देखो, यूएस ईरान क्राइसिस के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ रहे होंगे, एडिटोरियल्स में, आर्टिकल्स में, वीडियोज़ में। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट प्लस यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपको पता है, अमेरिकन ड्रोन ने ईरानी मिलिट्री जनरल को मार दिया। ईरानियन मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल कसिम सुलेमानी को बगदाद में, इराक में मार दिया, जो कि इराक की कैपिटल थी बगदाद, उसमें ईरान के जनरल को मार दिया। अब आपको पता है, ईरानी गवर्नमेंट ने बैलिस्टिक मिसाइल्स तो लॉन्च कर दी, ठीक है, मिसाइल्स तो लॉन्च कर दी। उससे पहले इन्होंने प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर करवाया स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में, जो कि तेहरान में सिचुएटेड है, ठीक है। ईरान में स्विट्जरलैंड की जो एम्बेसी है उसमें अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। पहले तो एम्बेसी क्या है, देखो, मैं भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान रिश्ते आप कह सकते हैं कि ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें चल रहे हैं, लेकिन जो भी दो देश होते हैं आपस में, उन दोनों देशों की आपस में एम्बेसीज होती हैं। जैसे भारत की एम्बेसी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो एम्बेसी है भारत में, ताकि जो अच्छी तरीके से ट्रांजेक्शन्स हैं, जो व्यापार है, वो अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स आप कह सकते हैं, भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका में हैं, तो वहाँ पे एम्बेसी बनी हुई है हमारी, जिसका खर्चा हम उठाते हैं, सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं भारत, और वहाँ पे हमारे ही आदमी हैं हमारी एम्बेसी में, ताकि हम अपनी बात वहाँ तक आराम से रख सकते हैं। अब स्विट्जरलैंड कहाँ से बीच में आ गया? यूएस अगर नॉर्मल में देखूँ, जैसा नॉर्मली होता है, यूएस की एम्बेसी ईरान में होती और ईरान की एम्बेसी यूएस में होती, तो कोई बात ईरान को कहनी होती तो एम्बेसी के जरिए कहलवा देता, यूएस को कुछ कहना होता तो ईरान के जरिए, अपनी एम्बेसी जो ईरान में उसके जरिए कहलवा देता। लेकिन यूएस और ईरान के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो इसमें जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी ईरान में है, जिसके जरिए स्विट्जरलैंड बात करता है ईरान से, है ना, तो उसके थ्रू ही अपनी जो है इंटरेस्ट पूरा कर लेते हैं। यानी अपनी एम्बेसी लगाने के बजाय स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के जरिए अपने इंटरेस्ट वो शो कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई, इस तरीके से काम हो भी सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी ईरान में नहीं है, तो ईरान भी अपनी एम्बेसी यूएस में क्यों लगाएगा? हालांकि जब यूएस स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के जरिए ईरान में अपनी बात कह सकता है, तो ईरान भी किसी ना किसी देश का इस्तेमाल कर ही रहा होगा यूएस में अपनी बात कहने के लिए। वो देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान की एम्बेसी वाशिंगटन में, उसके जरिए ईरान अपनी बात कहता है। तो ये अरेंजमेंट किस तरीके से पॉसिबल है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो, दो कन्वेंशन निकल के आते हैं, 1961-1963, दोनों मिलके यही बात कहते हैं कि अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रोक ऑफ हो जाते हैं या परमानेंटली या टेम्पररी रिकॉल करवा लिया जाता है, जैसे भारत पाकिस्तान की भी लड़ाई हुई, हल्की सी जो मुठभेड़ हुई और रिश्ते भी टाउन टाउन में चल रहे हैं, तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने जो इनवॉइस थे वापस बुला लिए, है ना, जो अपने एम्बेसी में जो लोग थे वापस लिए, भारत ने भी अपने जो है कई बार इनवॉइस को वापस बुलाया है, तो या तो ऐसा हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट जाएँ, या हमारी एम्बेसी जो पाकिस्तान में, वहाँ पर जो अपने लोग हैं, एम्बेसडर है वहाँ पर, अगर हम एम्बेसडर हैं वहाँ पर, उसको प्रोटेक्शन नहीं दे पाए हम अपने लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, सिक्योरिटी दे पा रहे हैं लेकिन फिर भी जो है खतरा बढ़ जाता है, तो फिर भी हम जो है अपनी लोगों को वापस बुला सकते हैं और फिर वियना कन्वेंशन लागू हो जाएगा। तो किसी ना की वजह से अगर कनेक्शन, किसी ना किसी वजह से कनेक्शन टूट जाता है, है ना, तो वियना कन्वेंशन लागू हो जाता है। अब इस केस में स्विट्जरलैंड प्रोटेक्टिव पावर है, प्रोटेक्टिंग पावर है किसकी? यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस के, यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट की ईरान में, और यूएसए में प्रोटेक्टिंग पावर है पाकिस्तान किसके इंटरेस्ट की? ईरान के इंटरेस्ट की, है ना। तो जो कन्वेंशंस हैं, ये इस तरीके से बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने रहे, एस्टेब्लिश रहे, मेंटेनेंस रहे, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉवरन स्टेट्स हैं, जैसे ईरान और यूएस, उनके बीच में कंसेंट लेके, जैसे स्विट्जरलैंड की परमिशन ले लेंगे यूएस की, भाई स्विट्जरलैंड की एम्बेसी से कि हमारी जो बातें आप उनको कहला देना, ईरान पाकिस्तान से परमिशन ले लेगा, और अमेरिका की भी कंसेंट उसमें लेनी पड़ेगी, और फिर जो है अमेरिका में अपनी बात कहलवा देगा पाकिस्तान के जरिए। ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। अब वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, ये कन्वेंशन अडेप्ट हुआ था 1961 में, तारीख दिमाग में रट लेना है, 1961, ठीक है, 14 अप्रैल याद मत रखना, 1961 कब? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़ हुई थी, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स एंड इम्यूनिटीज़,
कहाँ पे हुई थी? वियना में, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे हुई थी 1961। इंडिया इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर चुका, स्पेशल रूल्स इसमें कुछ सेटअप किए गए इस कन्वेंशन में, डिप्लोमेटिक मिशंस किस तरीके से अपना काम करेंगे, डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डिप्लोमेटिक जो ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो किस तरीके से काम करेंगे बिना किसी हरेसमेंट, बिना किसी कोर्सन के, अपने लॉस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे विद और दूसरी कंट्रीज़ के सरकार के साथ कैसे बात करेंगे, ये सब इसमें है। और अगर लगे कि भैया इकोनॉमिकल या फिजिकल सिक्योरिटी नहीं हो पा रही या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट जाए, तो अपने मिशन को आप विड्रॉ कर लो। मिशन मतलब उस एम्बेसी के लोगों को वापस बुला लो, अपने लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस बुला लो, डिप्लोमेट्स को वापस बुला लो, विड्रॉ कर लो मिशन को, है ना। तो ये बात है, जहाँ पे परमानेंट मिशन एस्टेब्लिश नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि यूएस और ईरान में नहीं है, तो वो तीसरे स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यूएस स्विट्जरलैंड का करता है, ईरान पाकिस्तान का करता है, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव आईएएस पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।